अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन तेलंगाना। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नज़र। हैदराबाद का मशहूर दवाखाना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कल बारिश का पानी वार्ड्स में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से पेशेंट्स और खुद दवाखाने का स्टाफ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उत्तम कुमार रेड्डी और फिरोज खान, मोहम्मद गौस और दिगर कांग्रेस लीडर्स ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का किया मुआयना। आइए देखते हैं न्यूज़ वन तेलंगाना की एक खसूसी रिपोर्ट। कल वार्ड के अंदर पानी आना, ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी खराब है, ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। कोरोना हैंडलिंग में ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है। ये हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करने में भी पूरी तरह फेल हुई है। हम आज उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट किए हैं, सुप्रेंट से बात किए हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह पैसे लगा के इसको रिपेयर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करे, डॉक्टरों को और फैसिलिटी दे। धन्यवाद, थैंक यू।